आए हैं, इन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे ये जो ट्रेल्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, इन पे आप प्लीज मत करो, क्योंकि इतना सड़ा हुआ था, मुंह मत बना, मुझे कह रहे हो? हाँ। अमित भाई बहुत खतरनाक ऑफ रोडिंग करते हैं, इन्हें कितनी बार मना किया है लेकिन मानते नहीं है। आप आ जाओ बाहर। वो पलट गई, भगाता हूँ, बाकी बैग आप देखो कितने आराम से आते हैं। ये बहुत खतरनाक है, अपने आप आ जाएगा ये। मैं यहाँ से देख के कह रहे हैं, पता नहीं क्यों इधर मोड़ रहे हैं, उधर तो खाई है भाई, गिर जाओगे। मैंने ऐसे का पंगे कभी नहीं लेता, और आती भी नहीं तुम्हें पंगे, गलती एक्सपर्ट से होती है, बिगनर की तो पहले ही फट जाती है। लेकिन कुछ भी गाओ, ये जो ये लगने हैं, यही बचा गया, हाँ यही वाला भाई, भगवान सेवर हो गए इनके, वरना गाड़ी की हालत देखो जरा, दानिश कहाँ है? दानिश तो नहीं पी रहा, वो मैंने पी ली, हमने मैंने बुझा भी दी। मैं कर गया था, मैं भी आती हूँ। ये कोई आए हैं नए लोग, हमारे ग्रुप के नहीं है, बट था रहे इनके पास। हाँ हाँ यस, हाँ जी सर, यहाँ गाड़ियाँ पहले भी मना करी हुई हैं, आप तो क्यों दोबारा यहाँ गाड़ियाँ चला रहे हैं? मना क्यों हुआ सर? फॉरेस्ट एरिया, अच्छा तो भैया हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फिर बीच में ये फॉरेस्ट मिनिस्टर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट मिनिस्टर बोल रहे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आए हैं, इन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे ये जो ट्रेल्स बनी हुई हैं ऑलरेडी, इन पे आप प्लीज़ मत करो, क्योंकि फिर ऑब्वियसली नेचर डिस्टर्ब होती है। बट वी ट्राइड टू मेक दिस प्लेस, हमने यहाँ पे बहुत सारी प्लांटिंग की, आशु भाई ने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं यहाँ पे, एंड वही बात है, कोई अच्छी चीज़ करे तो उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करा जाता है, बिकॉज़ वी आर नॉर्मल पीपल, सेम इसी एरिया पे मिट्टी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, यू नो, पहाड़ों को खोदा जा रहा है, फिर वहाँ से मिट्टियाँ पत्थर लेके जाके कहीं और लग रही हैं, उन चीज़ों को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो बिल्डर विल्डर होंगे, फिर वो ऊपर फ़ोन करवा देते हैं, फिर उनसे बात हो जाती है। तो ये फैक्ट है कि हम लोग कुछ नॉर्मल लोग, अगर सिर्फ जैसे हम तुम्हारे जैसे हमारे जैसे लोग अगर कुछ अच्छा करना चाहें, तो फिर हमें, फिर गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली यहाँ पे, दिस इज़ द गवर्नमेंट एरिया, यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट भी नहीं, गांव है ये, फॉरेस्ट के अंदर आता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो उस चक्कर में फिर अब हम लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें कुछ इनिशिएटिव लेना है कुछ अच्छा करने का, क्योंकि पहले आपने देखा होगा ऑफ रोडिंग के टाइम पर यहाँ पर पानी होता था, अब वो सूख गया, तो भाई ने यहाँ पे भी कुछ, हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे सुंदर से कुछ प्लांटेशन का कुछ करके, पानी वानी का करके अपना कुछ अपना, क्योंकि ये ट्रेल बहुत फेमिलियर हो गई है हमारी, हम लोग यहाँ पे बहुत बार आ चुके हैं, वी लव्ड इट, वी लव दिस प्लेस। सो बस वही है कि छोटा सा कंट्रीब्यूशन, देखो अभी क्या होता है, अभी हम फिलहाल जा रहे हैं थ्रोटल शोटल, स्टिल इन शॉक, भाई की गाड़ी पलट गई थी, तो थोड़ा सा आज डामा डोल ही रहा है, मैं इतनी खुश नहीं हूँ, थोड़ी सी डरी हूँ मैं, और सौरभ सिंह कर रहे काम, हम दिखा देते हैं, हम काम नहीं करते, घर पे बात करो ना, बर्तन पड़े हुए हैं जाके। जलील करके रखती है, पति को कोई इज्जत नहीं मिलती, अभी भाई को खूब मिलती है, तो देखा पूजा भाभी कुछ बोलते हुए, पूजा भाभी स्वीट है ना, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे, ये निकल गया इसका है ना, हाँ ये निकला था इसका मेन रीजन, पलटने का मिल गया, अच्छा मतलब लेफ्ट घुमाई
वो कोई दिक्कत नहीं, राइट घुमाई वो कोई दिक्कत नहीं। इतना तो अंदाजा देख, जब होता है ना तुम्हें मालूम हो कि एकदम से पटाखा बोल रहा है टायर, तो एक तरफ से झुक रही है ना गाड़ी। भाई का टायर ही चेंज करना पड़ा। ये नहीं, हम ये बोल रहे हैं ओ नॉर्मल लोगों को ये लोग रोक सकते हैं, बाकी जो बुलडोजर लेके इनको लेके चलते हैं ना वहाँ पे, इधर पीछे ऊपर लेके चलते हैं इनको, बोलो अभी रोको जाके उनको जहाँ वो इलीगल तरीके से फोन पे बात कराते हैं। अच्छा वो अपने लेके आते टाटा बिरला लोगों को। ये भी लॉक करते हैं पहिए को, ये व्हील हब है ना, लॉक करते हैं ये तो लॉक करते हैं आप, मतलब इसमें जिप्सी में। हाँ ये व्हील हब लॉक है ना ये, तो फिर एमएलडी बीएलडी क्या जरूरत है जिप्सी को, व्हील हब लॉक होता है उससे क्या होता है फर्क क्या दोनों में? फर्क ये है कि ये अगर मैं हम लोग चंबा गए थे, अब इसका जो एक्सल है वो हमेशा एंगेज रहता है, चाहे 4x4 में हो चाहे नहीं, टायर आगे का चलेगा। जब डिफरेंशियल एंगेज होगा तो चलेगा ही चलेगा सेम स्पीड पे। हाँ ये फर्क है। ओके आता है एवरेज में फर्क बिल्कुल आएगा जब ये डिसएंगेज हो जाएगा टायर। यहीं से डिसएंगेज हो जाता है, करना पड़ता है इसको डिसएंगेज, फ्री हो गया ये लॉक हो गया। साइकिल का है वो लाल से, वो कहाँ है? इतना सड़ा हुआ था मुंह मत बना, मुझे कह रहे हो? हाँ सड़ा हुआ था मुंह नहीं बना, तेरा मुंह ऐसा हो गया है। भाई डर हूँ, उमित भैया के वो नहीं मिल रहे, वो टोइंग वाले जो पकड़ते हैं साइकिल। हाँ मेरी जिप्सी में पीछे देख एक वो बना हुआ बॉक्स। भाई यार पता है क्या, क्योंकि ये ऐसी ट्रेल है ना जिसपे मतलब कभी सोचा भी नहीं कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। हाँ समझ रहे हो, झज्जर में डर लगता है क्योंकि वहाँ हो सकती है, मुझे भी फील आती है होता है। तो उन्होंने मेरा नाम हटा दिया ना इस जिप्सी से, समझ रही हो? नहीं मैंने नहीं हटाया, सब हट रहा है धीरे धीरे करके अपने आप हट रहा है। अब नेक्स्ट टाइम जाओगे नेविगेटर बन के लगवा लेना, या भाई के हाथ पे टैटू लगवाओगे सौरभ नाम का। ज्यादा बोलती है। अरे प्रीत तो लड़ पड़ी यार उनसे, सरकारी टट्टू जोशीला लौंडा ये बिल्कुल नहीं दम तो। फिर बताता कुछ वीडियो बंद करो फिर। मेरे को लगता है पहले तो किसी से ना इंटेंशनली मारी होगी यहाँ पे, और क्या इसीलिए तो ऐसे उखड़ा हुआ है। तो रूप्स टूट गया, रो नई ट्रेल। आफ्टर ऑल चार बार पलटी खाई हुई गाड़ी भी स्टार्ट कर दी ओपी भाई है ना। ये क्या भाई, ये पानी आएगा भाई, गांव में ना पानी जा रहा है इसका हुआ है। गाड़ी के अंदर अमित भाई बहुत खतरनाक ऑफ रोडिंग करते हैं, इन्हें कितनी बार मना किया है लेकिन मानते नहीं है। चक्कर में गिर गया आज, मैं इन्हीं को देख रहा था वहीं से। सौरभ सिंह तुम किस सदमे में हो? सौरभ भाई ये सोच रहे हैं कि अगर ये मेरे साथ वहां जाता तो क्या होता। नहीं वहां तो ये पता क्या बोल रहे हैं, सौरभ 100 फीट गिरेगी कुछ नहीं होगा, मैंने 110 गए बात भाई, बचने के लिए जो ट्रॉमा आएगा। मेरे को आज पहली बार लगा कि ट्रेन बहुत ऊंची है। देखो एक और आया, एक और आया। अरे बोल दो अभी, फॉरेस्ट ऑफिसर यही है, अभी मत करो। क्या पता चले बोले। यार ये गलती भी देखो सही बयान, तो वो ऑयल है उसमें भर गया।
चलें सौरभ। अरे इसकी गाड़ी में कोई एक बैठ जाओ। अच्छा आशु भाई को बैठा रहे हैं। आशु भाई इसमें बैठ जाओ आप। क्यों? इनके दोस्त को कॉन्फिडेंस नहीं, कह रहा दो तीन पैक मारे हुए हैं, कोई बैठ जाए। अरे तो दारू पी के देर बैग। ठीक है चलो भी चलते हैं। टोटल अरे गबरू इसका नाम ही नहीं पता। चलो